नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। मामला इनायतनगर थाने के अंतर्गत आने वाला गांव मजनाही पूरे मंगल पांडे का पुरवा है, जहां पर स्थानीय पुलिस ने मिलीभगत से गरीब असहाय के जमीन पर हो रहा है जबरन कब्जा। आपको बताते चले कि स्थानीय प्रशासन एवं आला अधिकारी के मिलीभगत से गरीब असहाय परिवार के जमीन पर हो रहा है जबरन कब्जा। जब पीड़ित परिवार 112 नंबर पर डायल करके घटना की जानकारी देता है तो डायल 112 दोनों पक्षों को अपने साथ ले जाती है और रास्ते में दूसरे पक्ष को छोड़ देती है और पीड़ित परिवार को थाने ले जाकर बैठा कर रखती है और उसके ऊपर 151 का चालान कर देती है। जब पीड़ित परिवार अपनी जमानत करवा कर घर आता है तो वहाँ उसकी ज़मीन पर लगे पेड़ छप्पर हैंडपम्प को छत के भीतर निर्माण कार्य चल रहा था। पीड़ित परिवार SDM मिल्कीपुर के पास जा कर के अपनी आपबीती सुनाती है तो वहाँ भी कुछ एक्शन नहीं लिया जाता और पूरा परिवार निराश वापस आ जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होता। इसके बाद पीड़ित परिवार जिलाधिकारी महोदय के पास जाती है लेकिन वहाँ भी अनदेखा कर दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या पीड़ित परिवार ऐसे ही दरबदर अपने ही ज़मीन के लिए कभी थाने तो कभी SDM कभी DM के पास भटकने को मजबूर है? लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पीड़ित परिवार अब न्याय के लिए इधर उधर भटक रहा है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या योगी जी के राज में गरीब असहाय के लिए कोई न्याय नहीं है? क्या गरीब परिवार न्याय के लिए भटकता रहेगा या एक गंभीर मामला है जिसे खुद योगी जी के एक्सेस में आकर आला अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई करना होगा? क्योंकि पीड़ित परिवार को योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमें वो न्याय दिलाएंगे, हमारी ज़मीन को वापस दिलाएंगे। रिपोर्टर सर्वेश कुमार की खास रिपोर्ट। तो चालान क्यों कर दिया आप लोग का, उनका चालान क्यों नहीं किया, पूछा आपने? पूछे तो कोई सुनता नहीं। आपने अपनी बात और भी कहीं रखी? कहाँ रखा, किस अधिकारी के समक्ष आप लोग पेश हुए? थाने पर रखा, फैजाबाद में रखे। फैजाबाद किस अधिकारी के पास गए थे? DM के पास गए। DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने कहा जा उसको देखो जा। तो देखा किसी ने? किसी ने नहीं लिया। अभी तक कोई देखने नहीं आया? नहीं। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से चाहते जैसे हमारा रहा वैसे हमें चाहिए। आपकी चीज है, आपका वहाँ क्या है, कैसे अधिकार आपका वहाँ? आबादी से रह रहे हैं। क्या वहाँ कुछ बनाना है आपका? हमारा चर ही रहा, छप्पर है, सब कुछ था वहाँ पे, सब गिरा करके उठा लेंगे सब। पुलिस वालों ने आकर के आपका छप्पर वगैरह या फिर चराही बनवाने कोशिश नहीं की? नहीं, कोई आया भी नहीं, कोई आया नहीं। सब तोड़ फोड़ के सब उसने जोड़। विपक्षियों का नाम क्या है? वोटर निकाल के बाद नाम बताइए सभी का। विपक्षी का नाम है महेश। और अवधिया। और संजय। और कमलिया। सभी के नाम बताइए। कमलिया बताइए। कुलदीप, रंजीत। मारा भी थे आप लोगों को बारे जी? मुकदमा दर्ज हुआ उसका? थाने वाले मुकदमा नहीं दर्ज करते नहीं। आपका अच्छा, क्यों नहीं दर्ज करते हैं आपके? आपको मतलब कोई दिक्कत क्या लगता है? कहते हैं यहाँ से चली जाओ, उसका है मैं नहीं करूँगा। क्या नाम है आपका? नाम पूरा परिचय बताइए। गाँव मंगलपुरा। थाना? जिला? प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन हम मांग करते हैं कि हमारा जैसा है वैसे करें। आपको न्याय मिलना चाहिए। नल भी उखाड़ दिया गया? नल भी उखाड़ दिया, तभी नहीं कोई सुन रहा। सब उखाड़ के फेंक दिया गया। हम अलग से बाहर से मांग के इधर उधर से नेपाल ने। आप रो क्यों रही हैं? हमारा तो देख के कोई सुन रहा। क्यों रो रही हैं, पूरी बात बताएं। हमारे दुख दर्द में कोई शामिल नहीं है तो इसलिए रो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। 3 महीने हो गया इधर उधर दौड़ बार बार जो करेंगे थाने पे। DM किया थाने पे, कप्तान साहब ने कहा कि जा इसका कर दो लेकिन अब फिर तहसील दिवस में गए, अभी तक कोई नहीं आया। वहाँ आपको डाटा गया था तहसील दिवस में? जी, इसे हमने कहा कि तुम कोई लेके आई हो मिस्टर, लेके आई हम नहीं कहा कहीं हम मिस्टर नहीं लाई, हमने नाराज सुन लीजिए। नेपाल ने कहा सारा कागज आपसियों के पास है। नेपाल ने कहा साहब इनका कहना है कि मुकदमा का दर्ज हो जाए, कहीं मैं नहीं दर्ज करूँगी।